हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DHT होम। तो दोस्तों, एक और घर का डिज़ाइन लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। दोस्तों, इस बार जो घर का डिज़ाइन हो 23x50 के एरिया में। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आपको इसका 2D व्यू डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ, जो कि पहले 2D व्यू में दिखाऊंगा और उसके बाद उसका 3D व्यू पोर्शन भी दिखाऊंगा। ऑन पेज ऑफ पेपर ऑन इमेज मैंने तैयार किया है दोस्तों, उसकी बारीकी से डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल होम है ये दोस्तों। सिर्फ फ्रंट से खुला रहता है, तो उसी के हिसाब से मैंने घर का डिज़ाइन तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके 2D इमेज से। तो देखिए, वो कुछ इस तरह के दिखाई देती है। इसकी 23 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट इसकी लंबाई है इस पूरे प्लॉट की। तो दोस्तों, फ्रंट में ये है लोन है। लोन का साइज़ आपके करीब 14 से 15 फीट के करीब होता है। जो इस तरफ से दिखता है वो ही 12-13 के करीब लंबा, और इस तरफ है देखने में आपको 15 से 16 फीट के करीब लंबा दिखता है। दोस्तों, यहाँ से आपके लिए कार पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ा गया है ये वाला जगह। और इसके साइड में जो देख रहे हैं, ये कमरा है। कमरा मतलब ये आपके लिए गेस्ट रूम के लिए भी कह सकते हैं या फिर एक रूम कह सकते हैं, जैसे भी आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों, लोन के फ्रंट में ही ये गेस्ट रूम है, जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा उनके लिए। दोस्तों, जो कमरे का साइज़ है वो 10x12 फीट है। 10 फीट चौड़ा है और 12 फीट इसका लंबा है। जैसे ही इसके घर से साइड से एंट्री लेते हैं, तो ये आपके लिए लिविंग रूम आ जाता है, जो कि पूरा सोफा सेटिंग प्लान हमने तैयार किया है। यहाँ पे 3D व्यू दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा दिखेगा दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये इसके लिए गेस्ट रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए एक टॉयलेट और बाथरूम है, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 6 फीट के करीब लंबा है और 4 फीट ये चौड़ा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के एक तरफ तो हमने किचन का पोर्शन तैयार किया है, और दूसरी तरफ ये है जो कि कमरा है दूसरा हमारा। जी हाँ दोस्तों, ये 12 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है। और जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अंदर ही जो आप बात ये देख रहे हैं एरिया, ये टॉयलेट और बाथरूम के लिए एरिया हमने सेलेक्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी टॉयलेट की लंबाई है 6x4, 6 फीट चौड़ा है और 4 फीट ये लंबा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जैसे ही स्टेयर्स की तरफ ऊपर आते हैं, ये आपके फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है। दोस्तों, इसका आपने 2D व्यू देख लिया, मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों, 2D व्यू आपने देख लिया है, अब ता इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अगर इसका घर का डिज़ाइन तैयार करवाना चाहते हैं। दोस्तों, 3D व्यू देख लो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इसके फ्रंट में जो आप देख रहे हैं, ये लोन का पार्किंग का एरिया है, जो लोन है, और साइड में पार्किंग है। पार्किंग के लिए आपकी जगह मैं बता चुका हूँ, 15 फीट के करीब ये लंबाई में छोड़ी गई है, और लोन आपका करीब 10 से 12 फुट के करीब चौड़ा छोड़ा गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपकी मेन गेट की एंट्री हो जाती है इस जगह पर। और जैसे आप यहाँ पे घर में एंट्री लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको जो साइड में दिख रहा है, ये मैंने जो कमरे का साइज़ बताया 10x12 है, वो लिविंग रूम है। और उसके बाद जो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है पूरा हॉल। हॉल मतलब लिविंग रूम, और यहाँ पे सिटिंग प्लान मैंने अरेंज यहाँ पे कर दिया है, आप देख रहे हैं इमेज में। तो दोस्तों, उसी के साइड में आप देख रहे हैं, ये है बाथरूम का एरिया, जो कि मैंने लंबाई चौड़ाई बताई 6x4 के करीब है। और इसके साथ में जो दूसरा है वो कमरा दिखाई दे रहा है आपको, जो कि मेन मुख्य रूम हो जाता है घर के मुखिया का या किसी भी बड़े सदस्य का। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही अटैच टॉयलेट बाथरूम है। कमरे का साइज़ मैंने 10x12 बता ही दिया था आपको। और यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियों का पोर्शन है, सीढ़ियों से आप सीधे फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। दोस्तों, ये थे इसका ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू, ओवरऑल आपने देख लिया। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के 2D व्यू के ऊपर। दोस्तों, तो ये देख रहे हैं आप इसके फर्स्ट फ्लोर का 2D व्यू। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा समझ में आ गया है। तो दोस्तों, घर का डिज़ाइन मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जो आप यहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं, ये है स्टेयर्स का पोर्शन। जैसे आप ऊपर की तरफ आते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपको स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है। दोस्तों, मैं पिछले नीचे वाले डिज़ाइन में एक चीज़ बतानी भूल गया। तो यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये है डक्ट, वेंटिलेशन के लिए काम आता है डक्ट, जो कि वेंटिलेशन का काम करता है, ताकि आपको आपकी जो घर की जो बाथरूम की जो हीट होती है, वो सीधे से यहाँ से निकल जाती है, वेंटिलेशन का काम करती है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के डिज़ाइन के ऊपर। तो दोस्तों, ये सीढ़ियाँ थी, यहाँ के पोर्शन से हम आगे की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। और इसके साथ में जो कमरा देख रहे हैं, वो सेम नीचे जो पोर्शन था, सेम टू सेम वही पोर्शन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और दोस्तों, ये दोनों के दोनों कमरे हैं जो नीचे वाले डिज़ाइन की तरफ बनाए गए हैं। और खाली यहाँ पे किचन नहीं तैयार किया गया दोस्तों, किचन के लिए हमने नीचे ही बना दिया था, वही जगह छोड़ दी थी। बाकी हम अगर यहाँ पे किचन का डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, तो इस कॉर्नर में हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं किचन के लिए, या फिर इस कॉर्नर में तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और ये वाली जगह जो देख रहे हैं, ये बालकनी की तरह काम करेगी, आपको 3D व्यू दिखाऊंगा तो बेटर समझ में आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, कमरे के साइज़ मैंने बता दिए, 10x12 के करीब दोनों कमरे थे। और ऊपर वाला कमरा छज्जे का पोर्शन लगा के आगे बढ़ जाता है दोस्तों, चाहे आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, अगर बाकी नहीं बढ़ाना चाहते तो आप नहीं चाह सकते, तो आपकी मर्जी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इसका 2D व्यू था, मैं आपको 3D व्यू दिखाता हूँ, बेटर आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे, समझ पाएंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से, डिज़ाइन को, आशा करता हूँ। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे, अरे कहीं भी कोई गलती लगे, तो सिर्फ कमेंट करके हमें बताएं। कमेंट करने से हम उसको चेंजेस ला सकते हैं, हमारी नई वीडियोज़ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए इसका 3D व्यू।
दोस्तों ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये है शेष की, से ऊपर की तरफ आते हैं जैसे वो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों यहाँ की शेष से आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको साइड में जो आपके राइट साइड में जो दिख रहा है ये कमरा है, कमरे के साइज 10 बाई 12 वही। और आप इसको चाहते हैं एक्सटेंड करना तो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि हमने नीचे वाला जगह छोड़ी थी उसी जगह में। दोस्तों ये आप यहाँ पर जो जगह देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के काम आती है, चाहे तो आप यहाँ पर बालकनी भी बना सकते हैं पीछे की तरफ, अगर नहीं चाहते तो ये डक्ट वेंटिलेशन का काम करते हैं, यहाँ पर आपकी विंडो लग जाएगी। तो दोस्तों इस कमरे के साथ ही हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम बना दिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो। और दोस्तों उसके साथ हम जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपको सारा का सारा लिविंग रूम मिल जाता है, काफ़ी सिटिंग प्लान अरेंजमेंट कर दिया है। दोस्तों यहाँ से आप अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये हमने काफ़ी खुला छोड़ा है ये वाला एरिया, जो नीचे से बिल्कुल 3D में देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ सारा का सारा खुला दिखेगा, आप नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी तरफ ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं नीचे कार पार्किंग में जो थी, यहाँ पे पूरा का पूरा लॉन डिज़ाइन तैयार कर दिया है ताकि आपको छत पे ही मतलब बालकनी का व्यू मिल जाए, और साथ ही साथ उसको अच्छे से बैठने की सिटिंग प्लान भी कर दिया है। तो दोस्तों उस साथ में जो ये देख रहे हैं नीचे वाले कमरे के ऊपर ही दूसरा कमरा है। तो दोस्तों ये ओवरऑल घर कुछ इस तरह से बन जाता है, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप वास्तु के हिसाब से लगाएं तो काफ़ी हर चीज़ें को अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट कर दिया है हमने दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसे डिज़ाइन को समझने के, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें अगर अच्छी लगती है तो। और दोस्तों ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ हमें वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपके घर का डिज़ाइन तैयार करें दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए साथ हम अब अलविदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।